भारत में बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो अलग देवी देवताओं और अपनी मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वहीं भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां लोग कुत्ते की पूजा करते हैं। इस मंदिर की मान्यता और कहानी बड़ी ही अनोखी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से लगभग 132 किलोमीटर दूर दुर्ग जिले के खपरी गांव में यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर को कुकुरदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 200 मीटर जगह में फैला हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में कुत्ते की प्रतिमा स्थापित है और पास में एक शिवलिंग भी है। सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ बढ़ जाती है। लोग इस मंदिर में कुत्ते की पूजा ठीक उसी तरह करते हैं जिस प्रकार शिव मंदिरों में नंदी की पूजा होती है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भी दोनों तरफ कुत्तों की मूर्तियां लगाई गई हैं। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान कुकुर देव के दर्शन कर ले तो उसे ना तो कुत्ता काटता है और ना ही कुकुर खांसी होती है। दरअसल यह मंदिर एक वफादार कुत्ते की याद में बनाया गया है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है, कई वर्षों पहले एक बंजारा अपने परिवार और एक कुत्ते के साथ इस गांव में रहने आया था। एक बार गांव में अकाल पड़ गया तो बंजारे ने गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार लिया, लेकिन वह उसे समय पर वापस नहीं कर पाया तो बंजारे ने अपने वफादार कुत्ते को साहूकार के पास गिरवी रख दिया। कुछ समय बाद साहूकार के यहाँ चोरी हो गई और चोरों ने सारा माल जमीन में गाड़ दिया। उन्होंने सोचा कि बाद में वे उसे निकाल लेंगे, लेकिन कुत्ते को लुटे हुए माल के बारे में मालूम था और वो साहूकार को वहाँ ले गया जहाँ लुटा हुआ माल गड़ा हुआ था। फिर साहूकार ने वहाँ गड्ढा खुदवाया और उसे अपना सारा माल मिल गया। कुत्ते की वफादारी देखकर साहूकार बहुत खुश हुआ और उसने कुत्ते को छोड़ने का फैसला किया। साहूकार ने बंजारे के लिए एक चिट्ठी लिखी और कुत्ते के गले में बांधकर उसे मालिक के पास भेज दिया। और जब कुत्ता बंजारे के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि वह भाग कर आया है, इसलिए बंजारे ने गुस्से में कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। लेकिन बाद में जब बंजारे ने कुत्ते के गले में लटकी हुई चिट्ठी पढ़ी तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसके बाद बंजारे ने उसी जगह कुत्ते को दफनाकर उसका स्मारक बनवा दिया। बाद में लोगों ने इसे मंदिर का रूप दे दिया, जिसे अब लोग कुकुरदेव मंदिर के नाम से पहचानते हैं।